दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले विटामिन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं, तो आज हम लोग बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है बी और सी और फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से हैं? फैट सॉल्युबल पिछले वीडियो में ये हम लोग बात कर चुके हैं फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, ए डी ई के, ये जो है फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। इनके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी, विटामिन बी के बारे में डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। विटामिन बी जो होता है, टोटल 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी के अंतर्गत, इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इसके अंदर टोटल कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन। पहला विटामिन कौन सा है? विटामिन बी वन, जिसका केमिकल नेम है थायमिन। केमिकल नेम है विटामिन बी वन जो है, इसका सोर्स क्या होता है? सोर्स मुख्यतः ये जो विटामिन बी वन जो होता है ये मिलता है सीरियल्स में, मीट में एंड ईस्ट में, मुख्यतः इसमें मिलता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है, बहुत ही कॉमन ए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अराइज होता है इससे कि विटामिन बी की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है बेरी बेरी एंड पॉलीन्यूराइटिस। अब बेरी बेरी में क्या होता है कि वीकनेस ऑफ मसल्स, उसके मसल्स में वीकनेस हो जाती है, उसी प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं बेरी बेरी। विटामिन बी वन का केमिकल नेम थायमिन है, इसका सोर्स है सीरियल, मीट और ईस्ट। ईस्ट को आमतौर पे हम लोग खमीर भी बोलते हैं। तो बी वन की बात हो गई, अब हम लोग बात करेंगे विटामिन बी टू की। विटामिन बी टू, इसका जो केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन B2। इसका जो सोर्स होता है, राइबोफ्लेविन का सोर्स जो होता है लीफी वेजिटेबल, मतलब हरी पत्तियों में मिलता है, चीज में मिलता है, मतलब पनीर में मिलता है, एग में मिलता है और चीज एग लीफी वेजिटेबल एंड फिश में, मुख्यतः इसमें मिलता है। और जो राइबोफ्लेविन की वजह से ही, राइबोफ्लेविन विटामिन की वजह से ही काउ मिल्क जो होता है, गाय का जो दूध होता है वो येलोइश कलर का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलोइश कलर का काउ मिल्क जो होता है वो किसकी वजह से होता है? राइबोफ्लेविन की वजह से ही येलोइश कलर का होता है। इसकी डिफिशियंसी से क्या प्रॉब्लम होती है? डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है चिलोसिस। में क्या होता है कि कॉर्नर ऑफ माउथ जो होता है वो क्रैक हो जाता है,
क्रैक ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, कॉर्नर ऑफ माउथ क्रैक हो जाता है। इसके लिए एक होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन भी है, कॉर्नर ऑफ माउथ यदि क्रैक है तो मेडिसिन का नाम है कांडुरांगो 30, बहुत इफेक्टिव वर्क करती है। टीडीएस देना होता है सुबह दोपहर शाम चार चार गोली, चिलोसिस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है होम्योपैथिक मेडिसिन कांडुरांगो। हम लोगों ने बात कर लिया विटामिन बी की, अब बात करेंगे विटामिन बी थ्री की। विटामिन बी थ्री इसका विटामिन बी थ्री का जो केमिकल नेम है नियासिन। नियासिन का जो सोर्स होता है मुख्यतः जो नियासिन जो होता है मीट में, फिश में और वीट में मिलता है, मीट फिश एंड वीट में मुख्य स्रोत है ये। इसका जो केमिकल नेम है नियासिन है, गुड सोर्स मीट फिश वीट इसमें मुख्यतः मिलता है। इसकी कमी से डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है पेलाग्रा। ये डिजीज होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछता है कि केमिकल नेम क्या है, इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो जो डिजीज होती है पेलाग्रा होती है। इसमें होता क्या है, स्किन में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ड्राई उसका जो पेशेंट होगा उसका लिप जो होगा स्वेलिंग ऑफ लिप हो जाएगा, स्वेलिंग ऑफ लिप मतलब कि जो उसका ओठ जो रहेगा वो सूखा सूखा रहेगा और थिक पिगमेंटेड दाग दाग स्पॉट शरीर पे पड़ जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं पेलाग्रा। अब बात करेंगे बी फोर की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड जो मुख्यतः होता है ये मिलता है ईस्ट में, लीवर में, एग में, मीट में, ईस्ट लीवर एग इन मिल्क सॉरी मीट मुख्यतः यहां पे मिलता है, सोर्स इसका ये है। पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम होता है बर्निंग फैट सिंड्रोम। ये डिजीज होते है। इसमें पेशेंट को क्या होता है कि पेशेंट जो है वो अपना पैर जब सोता है उसके पैर में बहुत सीवियर जलन होती है, वो जब सोता है तो पैर को बेड बिस्तर में अगर ओढ़े रहेगा कवर किया रहेगा अपने आप को तो पैर को बाहर निकाल के सोएगा मुख्यतः वो जो प्रॉब्लम होती है ये विटामिन बी फाइव पेंटोथेनिक एसिड की डिफिशियंसी से बर्निंग फैट सिंड्रोम होता है। अब बात करेंगे विटामिन बी सिक्स पाइरोडॉक्सिन जो होता है ये मुख्य गुड इसका जो सोर्स होता है मुख्यतः पाइरोडॉक्सिन किसमें मिलता है, ऑल एनिमल्स सभी प्रकार के एनिमल्स एंड प्लांट टिश्यू
पाइरोडॉक्सिन जो होता है ये मुख्यतः सभी तरह के पौधे और एनिमल जो हैं उनके टिश्यू में मिलता है पाइरोडॉक्सिन। इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस में क्या होता है कि हमारी जो सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, जो स्किन की सबसे ऊपर लेयर है एपिडर्मिस, और इसके जो अंदर लेयर होती है इसको बोलते हैं डर्मिस। इसमें क्या होता है इंफ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है, रेडनेस हो जाता है, पेन होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लामेशन। तो इसकी डिफिशियंसी से विटामिन B6 की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है वो डर्मेटाइटिस होता है। अब बात करेंगे B7, विटामिन B7, बायोटिन, विटामिन बी सेवन इसका केमिकल नेम है बायोटिन। सोर्स इसका मुख्यतः एक कहां कहां मिलता है बायोटिन। अच्छा एक बात और बताना है, इसको विटामिन एच आल्सो नोन एज विटामिन एच भी बोला जाता है बायोटिन को। विटामिन बी सेवन का एक और नाम है विटामिन एच। ये मुख्यतः मिलता है ईस्ट में, लीवर में और किडनी में, इसका सोर्स है। गुड सोर्स क्या है, ईस्ट है, लीवर है, किडनी है, विटामिन B7। इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उस डिजीज का नाम है मस्कुलर पेन होता है। इसकी डिफिशियंसी से मस्कुलर पेन होता है, मतलब हमारे मसल्स में पेन होने लगेगा, हेयर जो है वो पतला हो जाएगा, हेयर थिनिंग हो जाएगा, मतलब जो बाल है वो पतला पतला होने लगेगा, मसल्स में पेन होगा। एक और प्रॉब्लम होती है नेल ब्रिटल, मींस नाखून टूटने लगता है। अक्सर पेशेंट क्लिनिक में आता है, बताता भी है कि सर मेरा नाखून टूट रहा है, तो नाखून टूटने की प्रॉब्लम आ जाती है, हेयर ब्रिटल होने लगता है, हेयर पतला हो जाता है और मस्कुलर पेन होता है। B7 बायोटिन आल्सो नोन है, जिसका एक और नाम है विटामिन एच, इसका सोर्स है ईस्ट, लीवर, किडनी, मुख्यतः यहां मिलता है। अब बात करेंगे विटामिन B9। B9 का जो केमिकल नेम है फोलिक एसिड। विटामिन B9 को फोलिक एसिड बोला जाता है। इसका सोर्स क्या होता है फोलिक एसिड का, जो गुड सोर्स होता है एग होता है, एग, ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, होती हैं, एग होता है और लीवर किडनी, लीवर मुख्यतः यहां मिलता है और किडनी में भी मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में, एग में, लीवर में, किडनी में, यहां मुख्यतः इसका B9 का गुड सोर्स है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है, डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी विटामिन B9 की फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। इसका जो केमिकल नेम है B9 का फोलिक एसिड। अब बात करेंगे विटामिन B12।
विटामिन B12, साइनाइकोबालामिन, केमिकल नेम है B12 का। एक इसका गुड सोर्स जो होता है वो मीट, पर्टिकुलरली इन लीवर। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन भी आता है, B9 ही एक ऐसा विटामिन है नॉट फाउंड इन एनिमल, सॉरी वेजिटेबल्स। B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि वेजिटेबल्स में नहीं पाया जाता, और मुख्यतः जो मिलता है B12 ये मीट में मिलता है और पर्टिकुलरली लीवर में मिलता है। अब बात करेंगे दोस्तों, टोटल हम लोगों ने 8 विटामिन की बात किया, कौन कौन, B1, B2, B2, B3, B3, B5, B7, B9 और एंड B12। टोटल विटामिन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और B6, थायमिन, राइबोफ्लोविन, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, बायोटिन और फोलिक एसिड और ये साइनाइकोबालामिन B12। टोटल विटामिन कितने हो गए, 8 हो गए, 8 विटामिन। दोस्तों एक न्यू विटामिन आया है, विटामिन B17। एक नया विटामिन डिस्कवर हुआ है, विटामिन B17, न्यू विटामिन है ये, न्यू विटामिन B17, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होता है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज, B17 के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मुख्यतः मिलता किसमें, इसका सोर्स जो होता है मुख्यतः एप्पल में मिलता है, बीन्स में मिलता है, नट में मिलता है और ये एक न्यू विटामिन है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे विटामिन सी, वाटर सॉल्युबल्स विटामिन में B and C, वाटर सॉल्युबल विटामिन हो गए। तो विटामिन सी के बारे में बात करेंगे, इसका इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। मुख्यतः ये मिलता है, इसका गुड सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट्स, मैंने खट्टी सिट्रस, खट्टे फ्रूट्स में मिलता है और वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल्स में भी मिलता है, अच्छा एक और चीज थोड़ा सा वो बताता हूं, ऐसी चीज जिसको खाने के बाद मुंह से सी निकलता है, ये मतलब पूरा 100% नहीं बोला जा सकता, लेकिन मैक्सिमम टाइम में जिस चीज को हम खाते हैं मुंह से सी निकलता है, तो वो उसमें क्या, उसमें मैक्सिमम टाइम में विटामिन सी मिलता है। अब इसकी डिफिशियंसी से डिजीज क्या हो सकता है, डिफिशियंसी से डिजीज जो होता है स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है कि ब्लीडिंग गम्स मीन्स मसूड़े से खून आने लगता है स्कर्वी में, एंड स्पॉन्जी गम्स, और क्या होता है स्कर्वी में, स्पॉन्जी गम्स मीन मसूड़ा सूज जाता है और मसूड़े से खून आने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कर्वी। गुड सोर्स सिट्रस फ्रूट, एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम है। दोस्तों यदि मेरा चैनल पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।